फ्रेंड्स, आज ही हमारा वीडियो क्लास 5 है पाइथन के सीरीज का, एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 पाइथन चैप्टर नंबर 5 एंड वीडियो लेक्चर नंबर 5। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ तक, एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था और आज हमें डेटा टाइप से स्टार्ट करना है। आज हम डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो आखिर ये डेटा टाइप है क्या? अगर हम इसे समझें डेटा टाइप होता क्या है, तो डेटा टाइप हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा हम लोग सिंपल टाइप से बस इतना समझें कि जब भी किसी वेरिएबल में हमको डेटा को स्टोर करते हैं तो हमारा डेटा जो है, जिस भी टाइप का डेटा होता है, उसे जब मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ तो उस वेरिएबल को उसके टाइप को बनाना होता है। बट बनाते टाइम इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस टाइप का है। जैसे ये नंबर टाइप का डेटा है, जनरली दिस इज डेटा ऑफ नंबर टाइप, बट नंबर में भी इंटीजर टाइप का है और अगर डेसिमल है तो हम लोग फ्लोट लिखते हैं, और इंटीजर टाइप का है तो हम लोग इंट लगाते हैं, और अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इट मीन्स डेसिमल से उनके पास हम लोग फ्लोट लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझें कि डेटा टाइप्स आर व्हाट द स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। तो बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, और वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, जिस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा वो वेरिएबल का हमारा वैसा डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और फिर उस पर ऑपरेशन की जाती है हमारे डेटा पर। तो इसलिए हमारे पास दिए हुए कुछ फिगर नंबर 5.6 में बताए गए हैं कुछ डेटा टाइप्स। जैसे मैंने देखा बताया नंबर का, तो नंबर का इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास हैं, बट अभी हमें फोकस जो करना है सिर्फ इंट और फ्लोट पर करना है। ऐसे हम देख सकते हैं उसका सिंटेक्स जो होता है एक्स प्लस YJ के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर X का वैल्यू 3 है और Y का वैल्यू 4 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर X का वैल्यू हमारा 2 है और Y का वैल्यू -2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास नंबर्स का अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है। इंटीजर है तो इंट, पॉइंट्स का है, डेसिमल का है तो फ्लोट, है ना, रियल नंबर बोलें, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक हमारे पास डेटा टाइप होता है बुलियन, जैसे जो ट्रू फॉल्स की बात आती है तो वहाँ पर हमारा होता है बुलियन। सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंस होते हैं, लाइक कुछ ऑर्डर्स होते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रिंग मीन्स लाइक कोई जैसे लेटर है ABCD, वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। कोई वर्ड है गुड, एक वर्ड है तो वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। वेल, गुड मॉर्निंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। सेंटेंस है लाइक हाउ आर यू, तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। लिस्ट के अंदर हम बहुत सारे डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, वो लिस्ट हुआ टपल, आगे हम लोग देखेंगे उसे डिटेल में। सेट्स होते हैं, नन होते हैं, मैपिंग होता है, जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में हमारा जो डेटा होता है की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। जैसे पहला की, फर्स्ट की, उसका डेटा क्या है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड की है, उसका डेटा वैल्यू क्या है, बी है। ठीक है, और वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है, लाइक दिस, है ना। फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड की सेकंड वैल्यू, इस तरह से डिक्शनरी में डेटा मेंटेन होता है, वो स्टोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर को देखें, तो नंबर को तो हमने डील कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है बुलियन। बुलियन जब डेटा टाइप लगाते हैं हम लोग, जैसे आई में हमें ट्रू सेव करना है, तो आई का डेटा टाइप क्या होगा? तो आई का डेटा टाइप हमारा हो जाएगा बुलियन। तो बुलियन को हम लोग BOOL से सेव करते हैं।
तो आई का डेटा टाइप क्या हो गया हमारा, बुलियन, बुल, बी डबल एल, बुल। तो फिर हमारा ये बुलियन डेटा टाइप, जैसे इंटीजर था तो हम लोग इंट से रिजेंबल कर रहे थे, डेसिमल था तो फ्लोट से, कॉम्प्लेक्स था तो कॉम्प्लेक्स से, बुलियन होगा तो बुल से। ये एक सब टाइप है हमारे इंटीजर का ही। क्यों इंटीजर का होता है सब टाइप? क्योंकि बुलियन में जो ट्रू और फॉल्स की बात होती है, तो ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, वन और जीरो की बात आती है, और वन और जीरो एक तरह से तो नंबर इंटीजर, और वन जीरो मीन्स लाइक यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, इट्स लाइक बुलियन वैल्यू। सो इट इज डेटा टाइप इज बुल इन शॉर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमारा एक तरह का यूनिक डेटा टाइप है। दे बताए ही हमारे पास दो कांस्टेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और ट्रू है हमारा वो क्या है, नॉन जीरो है, और फॉल्स हमारा क्या है, जीरो है। नॉन जीरो, नॉन नल मीन्स वो नल नहीं है, है ना, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। और बुलियन का जो फॉल्स है हमारा वो क्या है भाई, बुलियन कोड का जो हमारा फॉल्स है वो हमारा एक जीरो वैल्यू है, है ना, वैल्यू हमारा जीरो है, वो नॉन जीरो नहीं कहेंगे, इट इज जीरो। अब आगे हम लोग कोड को देखते हैं। तो जब हम इस कोड को देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हम, नंबर नाम का एक वेरिएबल है उसमें 10 डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा को वैल्यू भी बोलते हैं, डेटा वैल्यू भी बोलते हैं। तो 10 को हम लोगों ने स्टोर किया नाम नाम के वेरिएबल में। और अगर हमें डेटा टाइप चेक करना है, और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जावा में, हम लोग को बताना लिखना पड़ता है जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, है ना, वी यूज टू राइट, है ना, तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो असाइनिंग द वैल्यू। तो ऐसा करते टाइम जब ये काम हम लोग जावा में करते हैं तो हमें यहाँ बताना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें नहीं बताना पड़ता क्या कि डेटा टाइप कौन सा होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड कर लेता है एक्सप्लिसिटली, हमें करना नहीं पड़ना, इन्हें नहीं करना पड़ता। That's why it is done here as implicitly. Okay? तो यहाँ पर हमें हम लोगों ने नंबर में 10 को स्टोर किया है। तो अगर चेक करना है किस तरह का डेटा टाइप है ये, तो टाइप फंक्शन, फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट-इन फंक्शन है पाइथन का, उसमें मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और फिर मुझे इस तरह के सिंटेक्स में हमें प्रिंट होकर, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो मुझे प्रिंट होकर आ जाएगा, एक सिंटेक्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स ऑन क्लास स्पेस इन सिंगल एंड कॉमा एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हमें लिख कर आएगा कि वो कौन सा से डेटा टाइप है। तो ये इंट है, फिर नम टू मैंने माइनस किया तो माइनस है बट है तो इंटीजर, यहाँ पर भी आया इंट। वैर वन मैंने स्टोर किया डेटा ट्रू, फिर मैंने लिखा टाइप फंक्शन में मैंने पास किया वैर वन, दिया हमें बुल, ठीक है बुलियन है, इंट क्या इंटीजर था तो इंट, ठीक है। फ्लोट वन नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर किया -1921.9, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट है, रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल मींस टाइप करेंगे फ्लोट वन, वेरिएबल फ्लोट वन जो है वो वेरिएबल का नाम है। फिर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो हमें आउटपुट क्या आया, क्लास कॉमा फ्लोट, दैट फ्लोट इज अ डेटा टाइप। फिर यहाँ पर हमारा फ्लोट टू नाम का डेट का वेरिएबल है, उससे मैंने क्या स्टोर किया है, -9.8 into 10 into 2। तो ये हमारा क्या करेगा, ये तो इसे सॉल्व करेगा,
और जो डेटा आएगा वो फ्लो टू में सेव होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, फ्लोट टू, तो जो भी आंसर आया ये फ्लोट टू को शो करें। उसके बाद फिर टाइप बताएं फ्लोट टू का, पहले शो करें आंसर, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 980.0000, ये कॉमा इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया। और फिर ये जो टाइप है फ्लोट टू वेरिएबल का, वो टाइप बता रहा है क्या, फ्लोट, क्योंकि आंसर मेरा पॉइंट में डेसिमल में है। अब वैट टू नाम के वेरिएबल में एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक्स प्लस वाई जेड के फॉर्म में है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर -3 है और वाई का वैल्यू यहाँ पर 7.2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर मैं इस तरह से अगर प्रिंट कर रहा हूँ वैट टू, तो सबसे पहले वेरिएबल टू में जो डेटा से है वो मुझे दिख जाएगा, -3 प्लस 7.2 जे, और टाइप मतलब इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। और टाइप वैट टू, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इसका डेटा टाइप हमें कॉम्प्लेक्स दिख गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो वेरिएबल्स आर व्हाट, दे आर सिंपल डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स आर व्हाट, दे आर बेसिकली स्टोरिंग द डेटा, क्रिएटिंग द रेफरेंस। और इस तरह से जब होता है तो फिर वो जिस तरह का भी डेटा है उनका वो रेफरेंस क्रिएट करता है, और जिस तरह का डेटा को स्टोर करना है वो उस तरह का डेटा को उसे बना लेता है पाइथन इम्प्लिसिटली, हमें अलग से बताना नहीं पड़ता। तो किन किन तरह का डेटा टाइप हम लोगों ने पढ़ा, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। तो हम लोग ये भी जाने कि ये इंटीजर, फ्लोट और बुलियन सिंगल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, बट जब हमें वेरिएबल्स के अंदर बड़े बड़े जहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है नंबर्स का, बहुत सारे लिस्ट है डेटा का, उन्हें स्टोर कराना है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा बड़ा डेटा है, ज़्यादा लंबा डेटा है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम ऑफ मंथ्स इन ईयर, एक ईयर में कितने सारे मंथ्स होते हैं, उनका नाम स्टोर कराना है, इस तरह का अगर हमें स्टोर कराना होता है तो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करा सकते। जैसे इन ऑब्वियस बात है कि वो नाम है तो इंटीजर में तो नहीं स्टोर होगा, फ्लोट में स्टोर नहीं होगा, बुलियन में स्टोर नहीं होगा, बट अगर वो नंबर भी होते, जैसे मुझे स्टोर कराना रहता 1, 2, 3, 4, आई मीन टू से कि इस तरह से ये एक लिस्ट है, वो मैं इंटीजर वेरिएबल में, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकता था, फ्लोट में नहीं स्टोर करा सकता था, क्योंकि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन ये सब जो होते हैं सिंगल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। मतलब ये डेटा टाइप में जिन वेरिएबल का भी इस तरह का डेटा टाइप बनाऊंगा वो वेरिएबल सिंगल वैल्यूज को ही स्टोर करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे नेम ऑफ मंथ्स ये सब को स्टोर करने के लिए, नेम ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनको स्टोर करने के लिए, नेम्स को, नंबर्स को, फ़ोन बुक जो मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम, उनको स्टोर करने के लिए हमें अलग तरह के डेटा टाइप का जरूरत पड़ता है, जैसे टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, जैसे मैंने हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, मेरे पास और भी थे डेटा टाइप, सीक्वेंसेस, सेट्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो हम लोग सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस क्या है हमें बताता है पाइथन सीक्वेंस, इन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, वो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंसिंग किससे की गई है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम्स का एक ऑर्डर है, जहां पर ईच आइटम इज इंडेक्स बाय एन इंटीजर, जहां पर हर जो आइटम है वो उसका इंडेक्सिंग किया गया है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जितने सारे भी आइटम्स हैं उनका अपना अपना इंडेक्सिंग किया गया है। अच्छा, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका अपना अपना इंडेक्सिंग किया गया, और वो इंडेक्सिंग किसके द्वारा किया गया है, नंबर के द्वारा, वो नंबर इंटीजर टाइप का नंबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स, पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप 3 तरह के हैं, तीन तरह के डेटा टाइप हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग मैंने बताया, स्ट्रिंग कैन स्टोर लाइक लेटर्स, लाइक ए, लेटर्स, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस, लाइक गुड इज अ वर्ड, गुड मॉर्निंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, हाउ आर यू सेंटेंस,
इस तरह डेटा हमारा स्ट्रिंग स्टोर होगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग है क्या एक्चुअल में, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इज वॉट अ कैरेक्टर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी लेटर्स आ दिया, लाइक 26 लेटर्स आ दिया, दे आर लाइक 26 कैरेक्टर्स आ दिया। तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है हमारा वो सिंगल तो कर ही लेगा, बट सिंगल से शुरू करेगा, बट क्या बोला था हम लोगों ने कि वो एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकता है, यूज इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में स्टोर कर सकता है। इसके अंदर एक लेटर आ सकता है, कैरेक्टर वर्ड आ सकता है, तो वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटर्स होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे और हर वर्ड्स के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या वर्ड्स कहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे या लेटर्स होंगे। तो इस तरह के डेटा को कौन स्टोर करेगा, किसी वेरिएबल स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग बना देगा हमारा पाइथन। दिस कैरेक्टर्स में भी देखिए बताया अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। स्ट्रिंग वैल्यूज आर इंक्लूड आइदर इन सिंगल कोटेशन, और स्ट्रिंग वैल्यूज का जो भी डेटा होता है हमारा वैल्यू डेटा या डेटा वैल्यू, उसको हम लोग सिंगल कोटेशन में स्टोर करते हैं, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, जैसे ए और डबल कोटेशन, ठीक है। जैसे यहां हमें दिया है ये सिंगल यूनिट कॉमा में है, सिंगल कोटेशन में है, या डबल यूनिट कॉमा में है, या डबल कोटेशन में है। बात क्लियर हो रहा है हमारा। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये हमें पहले बात क्लियर होनी चाहिए। वो हमें बस बताता है कि एक्चुअल डेटा जो है वो क्या है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ जो चीज़ें हैं वो, या सिंगल या डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं वो। इनवर्टेड कॉमा को सिंगल इनवर्टेड कॉमा को सिंगल कोटेशन में बोलते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा को डबल कोटेशन में बोलते हैं। इसलिए द कोट्स आर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, दे आर यूज टू मार्क द बिगनिंग, वो यहाँ से मेरा डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा है और यहाँ पर एंड कर रहा है, वो बताने के लिए होता है। str1 में हेलो फ्रेंड है, str2 में 452 है। और यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूज हुआ होगा कि ये डिजिट की बात की गई, तो डिजिट तो भाई डिजिट की बात की गई, नंबर की बात की गई, तब तो वो हमारा नंबर के लिए तो हमारे पास इंटीजर है, इसके लिए टाइप इंट यूज़ करते हैं। डेसिमल के लिए, पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, मतलब रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमारे पास तो फ्लोट है। तो फिर डिजिट के लिए स्ट्रिंग की बात, अब अभी तो आप लेटर बोल रहे थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहे थे, वर्ड्स बोल रहे, सेंटेंस बोल रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम चाहें तो किसी भी नंबर को, नंबर होता है, बट अगर हम इस नंबर को सिंगल यूनिट कॉमा, ऐसा बताया गया कि स्ट्रिंग का जो डेटा होता है वो सिंगल यूनिट कॉमा या डबल एंड कॉमा, या जिसे हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन बोलते हैं, तो सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर हम लोग किसी भी नंबर को अगर लिख दें, ऑल दो इट कैन बी या तो इंटीजर होगा या तो वो अगर फ्लोट होगा, किसी को भी अगर हम सिंगल या डबल एंड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, तो फिर वो हमारा क्या बन जाता है, वो नंबर हमारा नंबर ना रह कर वो नंबर हमारा स्ट्रिंग बदल जाता है। और इसकी पहचान कब होती है, जब हम लोग अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो वो डेटा फिर अपना कैलकुलेशन का पावर हो चुका होता है, दैट नंबर विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। ये 4 अब 4 नहीं रहा, अगर मैं इस 4 को 4+2 करके मैं अगर 6 उम्मीद करना चाहूँगा कि ये रिजल्ट आएगा, वो एरर आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया है। अगर मुझे इसे नंबर को नंबर ही रहने देना होता तो मैं i इज इक्वल टू 4 रखता, बट अगर मैंने i इज इक्वल टू सिंगल इनवर्टेड कॉमा में 4 या i इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने 4 लिख दिया, तो अब ये 4 नहीं रहा, अब ये नंबर नहीं, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है, स्ट्रिंग की पहचान यही होती है कि जो भी डेटा है वो उसके अंदर हो, सिंगल या डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हो, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हो। तो उसके अंदर अगर वो इंटीजर वैल्यू है या फिर कोई अगर डेसिमल, जिससे मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर बोलता हूँ वो है, तो फिर वो सब कुछ स्ट्रिंग में बदल गया। और हम जानते हैं कि 8 को मैं 8.0 भी लिख सकता हूँ, ये तो हमें क्लियर ही होगा मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए हमारे यहाँ डिजिट की बात की गई थी यहाँ पर, कि जो कुछ भी एनी कैरेक्टर्स
है ना, विच इज इंक्लोज विद इन द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, विच कैन बी इधर अल्फाबेट, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, देन दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. यू कैन एंड देन मैंने क्या, जैसे मैंने बोला कि वो जो नंबर को अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा, देन आफ्टर दैट वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑन दैट नंबर, बिकॉज नाउ दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. वी कैन नॉट परफॉर्म एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन str2. जैसे कि मैंने देखा, हम लोगों ने देखा है कि 452 है, तो ये नंबर अब नहीं रहा, ठीक है. तो ये स्ट्रिंग हम लोगों ने समझा, क्योंकि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लिस्ट टपल जो हम लोग समझ रहे थे ये सीक्वेंस के अंदर समझ रहे थे. सीक्वेंस क्या करेगा, एक से ज़्यादा एक सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करेगा. सिंगल डेटा को स्टोर करने के बजाय एक मोर देन सिंगल डेटा आइटम्स को स्टोर करेगा जो कि एक सीक्वेंस में होंगे. तो अब हम लोग लिस्ट को देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीक्वेंसेस को देख लिया. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, डेटा टाइप टॉपिक, उसके अंदर नंबर, सीक्वेंसेस, और सीक्वेंसेस के अंदर स्ट्रिंग देख लिया उसको सब टॉपिक, और अब लिस्ट देखेंगे, फिर टपल देखते हैं. तो लिस्ट क्या है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस आइटम्स का, जहां पर आइटम्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं. जैसे कि मैं यह बताया गया है, टू क्रिएट लिस्ट, यहां पर हैशटैग ये कमेंटिंग की गई है, हैश लिस्ट वन, एक लिस्ट बना है, इसमें 5 है, 3.4 है, न्यू दिल्ली है, 20 सी है, 45 है. तो सबसे पहली बात तो ये हम समझ लें कि जो यहाँ पर डेटा आइटम्स होते हैं, डेटा होते हैं, वैल्यू बोले, डेटा बोले या डेटा वैल्यू बोले, तो यहाँ पर बहुत तरह तरह के डेटा आइटम्स हो सकते हैं, मीन्स उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स जो डेटा हैं वो सब कुछ लिस्ट के अंदर आ सकते हैं. जैसे यहाँ पर 5 हमारा एक इंटीजर डेटा है, 3.4 हमारा एक फ्लोट टाइप का डेटा है, न्यू दिल्ली हमारा स्ट्रिंग है, 20 सी भी हमारा स्ट्रिंग है, 45 फिर से हमारा जो है इंटीजर डेटा है. तो फिर ये हम लोगों ने लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया. अब हमें चेक करना है कि लिस्ट वन जो लिस्ट बनाया था हम लोगों ने, लिस्ट वन नाम का वेरिएबल मैंने स्टोर किया, तो फिर हमारे लिस्ट में क्या है ये हमें, और जब भी लिस्ट का आउटपुट स्टोर होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट्स के अंदर होता है, फिर ये हमें इस तरह से शो हो गया. कितने डेटा आइटम्स हैं, डेटा है 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 5 आ गया. उस तरह से लिस्ट की बात हो गई, लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मीन्स हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी देयर रिसाइडिंग इन अ लिस्ट. सेम टाइप के तो हो ही सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं. अब है हमारे पास टपल. What is a tuple? It is also a sequence of items separated by commas. कैसे सेपरेट होते हैं, कॉमा सेपरेट होते हैं, एंड बट ये जो है इंक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं, बट स्क्वायर ब्रैकेट से ना होकर ये इंक्लोज होते हैं राउंड ब्रैकेट से, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट की बात कहाँ होती है, लिस्ट में होती है. उसके अंदर जो डेटा होते हैं स्टोर, जब हम स्टोर करेंगे तो वो बिग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जब हमें दिखेगा भी डेटा में उसे प्रिंट कराएंगे तो भी बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. बट टपल के अंदर ये हमारे पास सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा होती है, डेटा आइटम्स होते हैं, वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, ये कॉमन है सिमिलैरिटी, बट डिफरेंस है हमारे क्यों इनक्लोज्ड राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर. यहाँ पर टपल का स्पेलिंग सेट है, सही है, ये टपल वन है एक्चुअली. टपल वन नाम का वेरिएबल है, उसमें 10 देखिए ब्रैकेट है,
राम रखें 10, 20 एप्पल 3.4। यहाँ पर भी हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा मीन्स हैविंग सेम डेटा टाइप या डेटाज और ऑफ हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। 10 इंटीजर है, 20 इंटीजर है, एप्पल स्ट्रिंग है, 3.4 फ्लोट हुआ हमारा और ए है भी हमारा स्ट्रिंग हुआ। इस तरह से हम लोगों ने देखा, तो फिर प्रिंट हुआ और फिर से हमारा डेटा सेम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेट्स को देखते हैं। सेट क्या है? सेट भी हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है, बट वो क्या है, हमारे पास अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। उनके पास वो उसके ऑर्डर नहीं होता और वो भी कॉमा सेपरेटेड होते हैं, बट वो जो इंक्लोज होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। तो फिर हम लोग अगर ध्यान से पढ़ें, इट मीन्स स्ट्रिंग तो नॉर्मल होता है, किसी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होता, कॉमा के अंदर नहीं, कॉमा नहीं होता, बीच में लिस्ट में बिग ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और सेट्स में हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। और सेट है इसीलिए बोल रहे हैं हम, सेट क्या है, इट इज सिमिलर टू लिस्ट, लिस्ट की जैसा ही है हमारा, एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। इनके पास डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर एक डेटा आइटम हमारे पास सेट में 10 है, 50 है, ए है, फिर से 50 दे दिए, ये पॉसिबल नहीं, ये यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज है। तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज 50 और 50 है, सेम टाइप की एंट्रीज, सेम टाइप के डेटा आइटम्स डेटा है। ये लिस्ट में ओके है ऐसा इस तरह का डेटा, बट सेट्स में दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेट इज व्हाट, इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द आइटम्स आर इंक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। अ सेट इज सिमिलर टू लिस्ट, सेम है, बट सेट हमारा सेम टाइप ऑफ डेटा को फिर से एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए इट इज सेड दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। जैसे हमारे पास 50-50। वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज, और एक बार चेंज क्रिएट करने के बाद सेट को हम उसे चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है हमारे पास। दूसरी बात ये भी है कि लिस्ट और टपल हमारे पास एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है और सेट हमारा एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखें। सेट वन नाम के एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, डिक्लेयर किया है और साथ में हम लोग असाइन भी कर रहे हैं सेट डेटा जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, कॉमा से सेपरेटेड है सारा कुछ, सारा डेटा वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज्ड है स्टार्टिंग और एंड। 10, 20 इंटीजर डेटा 3.14 फ्लोट डेटा, न्यू दिल्ली स्ट्रिंग डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, डेटा के। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एंट्री डुप्लीकेट नहीं है, रिपीटेड नहीं। अब हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था टाइप फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, उससे हम लोग देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है उसका डेटा टाइप क्या है। तो हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग पास करें टाइप फंक्शन और टाइप फंक्शन के अंदर पास करें इस वेरिएबल का नाम, तो हमें देखने को मिलेगा क्लास, जैसे ये आपको सिंटैक्स होता है टाइप फंक्शन का, प्रिंट तो हमारा प्रिंट कर रहा है, अब प्रिंट क्या कर रहा है, टाइप हमारा शो करेगा क्लास जो सिंटैक्स है स्पेस इन सिंगल कॉमा के अंदर
सेट वन वेरिएबल का डेटा टाइप, तो वो हमारा आ रहा है सेट। सेट अब सेट वन डेटा को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्रिंट के अंदर यहाँ पर टाइप सेट वन में हम लोगों ने सेट वन वेरिएबल का डेटा टाइप चेक किया, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन के अंदर सिर्फ सेट वन को जब पास किया, तो हम लोग सिर्फ सेट वन के डेटा को चेक करना चाहते हैं, उसके डेटा आइटम्स को चेक करना चाहते हैं। तो वो एक सेट है, एक अनऑर्ड कलेक्शन है, वो हमारा दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो इंक्लोज्ड है, इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं। और एक बार बनने के बाद हमारा सेट फिर चेंज नहीं हो सकता। अब हम लोगों ने यहाँ पर सेट टू बनाया, सेट टू एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं एक नया सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 1, 3। इसमें वन और वन क्या है, डुप्लीकेट एंट्रीज है, तो हमें ये एरर तो नहीं शो करेगा, बट हमें जब ये जब स्टोर कराने के बाद डुप्लीकेट एंट्रीज के बावजूद ये जब हम लोगों ने इसे देखना चाहा कि आखिर स्टोर क्या हुआ है सेट टू में, तो यहाँ पर हम लोग जब प्रिंट करेंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट देखा था प्रिंट सेट वन, तो सेट वन सेट को देखना चाहते हैं कि मेरे क्या क्या डेटा आइटम्स हैं, तब जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें डुप्लीकेट एंट्रीज जो भी होगी, तो वन जो डेटा है वो दो बार लिखा है, उसका जो फर्स्ट अपीयरेंस होगा वो जिस पोजीशन पे होगा वही हमें वहाँ दिखेगा, और जो उसका सेकेंड अपीयरेंस, सेकेंड या थर्ड या इतने बार भी अगर वो हमारा डुप्लीकेट एंट्रीज होगी वो सब हमें हाइड हो जाएगा। तो 1, 2, 1, 3 था, पहली बार यहाँ पर हमें 1 शो हुआ, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर थर्ड हमें 1 शो हो रहा था, तो ये हाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर 3, तो हमें ये शो होना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नन। नन एक हमारे पास डेटा टाइप है, नन आखिर कौन सा डेटा टाइप है, नन वो एक हमारा स्पेशल डेटा टाइप होता है, कैसा स्पेशल, और इसमें मल्टीपल डेटा नहीं होते हैं, मल्टीपल डेटा वैल्यूज नहीं होती हैं, मल्टीपल वैल्यूज नहीं, यहाँ पर सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल डेटा होता है, और ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जहाँ पर वैल्यू और डेटा नहीं होता है, प्रेजेंट एब्सेंट होता है, उस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में हमें यूज करना पड़ता है नन। और नन क्या सपोर्ट करता है, नो स्पेशल ऑपरेशन, वो स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, कोई स्पेशल ऑपरेशन को, कोई भी स्पेशल ऑपरेशन जो होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है। और एक और खासियत है हमारे पास नन की, इट इज़ नाइदर सेम एज फॉल्स नॉर ज़ीरो, बट अगर हम ये समझ रहे हैं नन को, मगर हमें ये गलत फहमी नहीं रखनी है कि नल एक फॉल्स वाली चीज़ को रिजेंबल कर रहा है या ज़ीरो वाली चीज़ को रिजेंबल कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं नन मीन्स ज़ीरो तो आप गलत हैं, अगर आप सोच रहे हैं इस तरह से ज़ीरो नंबर फॉर्मेट में तो भी गलत है, आप सोच रहे हैं फॉल्स तो गलत है। ये कोई भी स्पेशल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, बट ये फॉल्स और ज़ीरो नहीं। जैसे माई वैक एक वेरिएबल है हम लोगों ने डिक्लेयर किया, और इसमें डेटा जो स्टोर करा रहे हैं वो करा रहे हैं नन, डजंट मीन कि वहाँ कोई डेटा नहीं है, डेटा है नन है, नन है तो आप बोलेंगे नन कुछ तो वर्ड हुआ ना, ये नन एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, नन एक कीवर्ड है, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि और कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होते हैं, उन्हें आप स्ट्रिंग की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें आप वेरिएबल कैसे स्टोर या इस्तेमाल नहीं कर सकते डेटा को स्टोर करने के लिए, उन्होंने हमारे पास एक कीवर्ड है, और एक इस तरह से कीवर्ड नन है, इसको मैं अगर स्टोर करा रहा हूँ, बस इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माई वैर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया
और साथ में कुछ डेटा असाइन करने की कोशिश कर रहा था, इसमें एक्चुअली में कोई डेटा स्टोर नहीं है। तो और कोई एक्चुअल में उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, कोई डेटा आइटम स्टोर नहीं है। इस बात को बताने के लिए मुझे जो उसके अंदर लिखना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, वो नन लिख कर स्टोर कराना पड़ेगा। तो नन को मैं ये ना समझूं कि नन इज़ लाइक अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा है, वो तो एक वर्ड है, वो वर्ड नहीं है। अगर वो वर्ड रहता तब तो हम ये कहते अच्छा नन नाम का एक वर्ड क्या है, और वर्ड वो स्ट्रिंग टाइप का है, इट मीन्स माई वेर वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। इम्प्लिसिटली पाइथन उसे इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग मानेगा, बट नहीं, नन एक नॉर्मल, अब उसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स नहीं देख सकते कि एन एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है, वो लेटर, लेटर का वो ग्रुप नहीं है, वो एक वर्ड नहीं है, वो एक कीवर्ड है। पाइथन में कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होता है। इस तरह से एक रिजर्व्ड वर्ड जो नन है उसका काम यही है बताना कि माई वेर के अंदर एक्चुअली कोई डेटा नहीं है। तो इस बात को रिजेंबल करना कि डेटा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, माई वेर के वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई रेफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए हम लोग उसके अंदर नन को स्टोर करते हैं। क्योंकि क्या बताया, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू, नो प्रेजेंस इज देयर ऑफ एनी डेटा आइटम और डेटा, और उसके अंदर स्टोर होता है वो नन, और नन जो है वो एक सिंगल वैल्यू है एक्चुअल में, बट उसके अंदर कुछ मैं लिख करके स्टोर कर रहा हूँ, बट चूंकि वर्ड है नहीं, वर्ड नहीं है, वो एक कीवर्ड है। तो बट वो अगर देखा जाए इन जनरल वे में तो एक मैंने सिंगल चीज़ को स्टोर किया है, तो सिंगल वैल्यू हुआ। तो अब मैं अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करूँगा टाइप फंक्शन को, और टाइप के अंदर मैं एज आर्गुमेंट पास करूँगा माई वेर, तो माई वेर को मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ कि प्रिंट के अंदर मुझे माई वेर नाम का जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसका मैं डेटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या शो हो रहा है यहाँ, क्लास नन टाइप, एंगुलर विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स क्लास स्पेस विद इन द सिंगल कोटेशन और सिंगल इंवर्टेड कॉमा हमें लिख कर आ रहा है उसके लिए डेटा टाइप किसका, माई वेर का, जो कि है नन। अब मैं अगर माई वेर के अंदर जो स्टोर है उसे चेक करना चाहूँ तो मैं करूँगा प्रिंट, लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं माई वेर को पास करूँगा माई वेर वेरिएबल को, तो मुझे प्रिंट होगा, क्योंकि एक्चुअल मैंने नन को ही स्टोर कराया जो कि एक सिंगल वैल्यू है, बट एक्चुअल में वो एक रियल वैल्यू नहीं है, वो ये बताने के लिए वैल्यू दिया गया है कि वहाँ पर एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को बताने के लिए हमें नन लिखना पड़ता है, और वो एक कीवर्ड है, अदरवाइज वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा जैसा हमें लगकर हमें कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखेंगे एक टॉपिक, इसका नाम है मैपिंग, बट वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, वो हमारा वीडियो क्लास 6 होगा। आई थिंक आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, और इन सब चीज़ों का हम लोग प्रैक्टिकल अपने नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। ठीक है, यहीं पर आज का हमारा क्लास वीडियो लेक्चर सीरीज पाइथन का क्लास 11 का एनसीईआरटी चैप्टर 5 का एंड होता है। मैपिंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसका नाम वीडियो क्लास 6 होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।